क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि द सेम गॉसियन सरफेस इज यूज्ड टू सराउंड टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द सरफेस इज सेम इन बोथ द केसेस बट द लाइंस आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड. व्हाट कैन यू से अबाउट द नेट चार्ज ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स? जीरो, बिकॉज जितना आउटवर्ड फ्लक्स है उतना ही इनवर्ड फ्लक्स है. सो राइट दिस डाउन. The net number of outward, the net outward flux, number net, the net outward flux is equal to net inward flux. Net outward flux is equal to net inward flux. Net inward flux. Hence, the net flux through the Gaussian surface, hence the net flux through the Gaussian surface is zero. Net flux through the Gaussian surface is zero. Therefore, net charge on the two objects, therefore the net charge on the two objects is also zero. Net charge on the two objects is also zero. Clear? Okay, next question is question number 29. It says that two charges of OQ and minus Q are located at A, 0. So this point is A, 0 and माइनस थ्री कॉमा जीरो. कितना कितना चार्ज है? प्लस फोर क्यू और माइनस. ठीक है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2a विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन. सो रेडियस अगर 2a होगा, सेंटर ओरिजिन में होगा, तो वो प्लस फोर को इंक्लूड करेगा लेकिन माइनस क्यू को इंक्लूड नहीं करेगा. सो व्हाट इज योर आंसर? सिंपल, द नेट फ्लक्स फॉर्मूला क्या है? नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन ना. तो ये जो स्फीयर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये कौन सा चार्ज को इंक्लूड कर रहा है? फोर क्यू बाय. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग अ पॉइंट चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज. तो हम लोग क्या पढ़े थे कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ चार्ज इंक्लूडेड के ऊपर और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर. तो अगर साइज ऑफ द चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. सो द आंसर विल बी सेम. द आंसर विल बी सेम. क्वेश्चन नंबर 30, द आंसर विल बी सेम. थर्टी वन says an electric dipole of moment 2 into 10 to the power minus 6 centimeter, coulomb meter is enclosed by a closed surface. हाँ पियूष बताओ क्या बोल रहे हैं? पियूष, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? करने का जरूरत नहीं है, अभी कर. क्या बोल रहा है? एक डाइपोल है. डाइपोल में नेट चार्ज कितना होता है पीयूष? डाइपोल में नेट चार्ज कितना होता है? टोटल चार्ज कितना होता है? राइट, प्लस क्यू और माइनस क्यू है. सो व्हाट विल बी आंसर?
तो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इंक्लूड चार्ज कितना कर रहा है? अभी अभी बोले ना, एक डाइपोल में एक प्लस के चार्ज होता है, एक तो नेट चार्ज कितना होगा? तो नेट चार्ज इंक्लूडेड जीरो। तो अगर नेट चार्ज इंक्लूडेड जीरो है तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। राइट दिस डाउन, द नेट चार्ज इंक्लूडेड ऑन अ डाइपोल इज जीरो, हेंस the net flux will be zero. Net flux will be zero. ठीक है, 32 टर्म साइमन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 साइमन, क्वेश्चन नंबर 32 यू कैन सी सम गॉसियन सरफेस मार्क्ड एज एबीसीडी इन द डायग्राम फिगर 3। एबीसीडी चार्टे सरफेस मार्क पर आज है, यू नीड टू रैंक देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्टिंग विद द मोस्ट नेगेटिव। थर्टी टू फर्स्ट टेल मी सरफेस ए इज चार्ज इंक्लूडिंग हाउ मच चार्ज, आई एम जस्ट राइटिंग इट एज क्यू ए। सरफेस ए इज इंक्लूडिंग हाउ मच चार्ज? Plus 2q plus 2q plus q minus q, that is charge included by the second surface. Q means plus 2q minus q, so that will be equal to qc kitna plus q minus q zero, or qd kitna minus q. Only minus, right? Now it is easy to find out the net flux through each of them. Phi d ka sabse negative hoga, minus q by epsilon naught. Phi c ka zero hoga, phi b ka hoga q by epsilon naught, aur phi d a ka hoga 2q by epsilon. Step with order. Right? See, it's not that difficult. All you need to do is understand a very basic concept that the net flux is only because of charge included by the surface. Total charge included by the surface. What? Next, question number 33. 33 क्या बोल रहे हैं? An electric field in a region can be expressed as E equal to this much, determine the flux of the field through a rectangular surface of area this much situated parallel to the yz plane. So if a surface area, say this is x axis, this is y axis, and this is z axis, you answer question then. So we have a plane which is parallel to yz, मतलब yz से पैरेलल है, तो इसके एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में रहेगा? यू नो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो अगर ये एक्स वाई वाई जेड प्लेन में रहेगा तो इससे परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है? राइट, सो इसका जो इलेक्ट्रिक सॉरी एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 0.2 क्या? You answer why 0.2 I cap? Because it is along the x-axis. और electric field हम लोगों को कितना दिया गया है? 3/5 I cap plus 4/5 4 multiplied by 2 × 10^2. अब flux का formula क्या है? Phi equal to E dot ds. लेकिन यहाँ पर तो पूरा area ही अंदर है. सिर्फ आई के साथ आई मल्टीप्लाई होता है, आई के साथ जे का डॉट जीरो आता है, राइट? देखो ये आई है,
जिसे y के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2 इनटू 3/5 इनटू 2 इनटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑलराइट, सो लेट्स कीप इट अप टू दिस मच टुडे।